अगली खबर भोपाल से मौसम से जुड़ी हुई है, जहां दो दिन बाद प्रदेश से मॉनसून की अब विदाई होगी। इस बार प्रदेश में सामान्य से 6% से ज्यादा बारिश हुई है। 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश और मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात भी निर्मित हो गए थे, लेकिन अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है दो दिन बाद प्रदेश से मॉनसून की विदाई होना तय माना जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे आशीष जी का। आशीष जी, क्या कुछ कहा गया है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से और इस संबंध में? देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दो दिनों बाद मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई संभव है, क्योंकि इन दो दिनों के बीच में इंदौर और उज्जैन संभागों में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी थी, उसके बाद से ज्यादातर जिलों का कोटा लगभग पूरा हो चुका था, कहीं पर औसत से ज्यादा भी बारिश हुई है। लेकिन 16 जिले ऐसे हैं जिनमें औसत से कम बारिश हुई है। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल मौसम को देखते हुए यही पूर्वानुमान मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया जा रहा है कि आने वाले दो दिनों में मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दो दिन बाद मानसून की विदाई हो सकती है, मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये बात कही गई है। और आपको बता दें कि इस बार सामान्य से ज्यादा प्रदेश में बारिश दर्ज की गई, 6% ज्यादा बारिश हुई, लेकिन अब दो दिन बाद मानसून की विदाई होना तय है।